हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप अपने लिए एक बेहतर लाइफ, ज़्यादा हैप्पी लाइफ कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि आप कैसे अपने रिश्तों को और बेहतर बना सकते हैं, चाहे वो आपका घर हो चाहे आपका वर्क प्लेस हो। कैसे आप आर्थिक समृद्धि अट्रैक्ट कर सकते हैं और कैसे अपनी लाइफ के हर एक सिचुएशन को आप बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं और यूटिलाइज कर सकते हैं। ये सब आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास सेल्फ मास्टरी होगी। जब आप सेल्फ मास्टरी में एक्सपर्ट होंगे तभी आप ये कर पाएंगे। मैं विवेक राठौर, ऑथर एंड न्यूरोसाइकोलॉजी एक्सपर्ट। चलिए हम लोग आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जो सेल्फ मास्टरी है ये होता क्या है। देखिए, जो ह्यूमन है, जो इंसान है, वी आर द इमोशनल बीइंग। तो हम लोग की लाइफ में बहुत तरह के इमोशनल टर्बुलेंस आते हैं, इमोशनल अप एंड डाउन्स आते हैं। तो हर तरह के इमोशन के साथ उसको बैलेंस कर पाना, मैनेज कर पाना, इसको बोलते हैं सेल्फ मास्टरी। सिंपल लैंग्वेज में हम लोग जो भी इमोशन फेस कर रहे हैं उसके प्रति अवेयर होना, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको एक्सप्रेस करना, उसे मैनेज करना, जो भी हम लोग की कई बार जो भी हम लोग के इंपल्स होते हैं उसको कंट्रोल कर पाना, कई बार हमारे अंदर ग्रेटिफिकेशन आता है उसको डिले कर पाना, कई बार हमें स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होता है, इन सबको कंट्रोल कर पाना, इसी को बोलते हैं सेल्फ मास्टरी। और ये हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम ये कर पाएंगे तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी होगी, हमारे रिलेशनशिप बहुत अच्छे होंगे, जो भी हमारे नियर एंड डियर्स हैं वो हमें अप्रिशिएट करेंगे, हमसे प्रभावित होंगे। और अगर हम यहाँ पे वीक हैं तो इसका इम्पैक्ट हमारे रिलेशनशिप पे आता है, हमारे परफॉर्मेंस पे आता है, हमारे रिजल्ट्स पे आता है, हमारे इनकम पे आता है, ये हमारी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को इम्पैक्ट करता है। तो यहाँ पे एक मैसेज है जो हमें समझना है कि हम लोग की लाइफ में हम लोग अलग अलग तरह के इमोशन से गुजरते हैं, अलग अलग तरह की फीलिंग से गुजरते हैं, और हर एक फीलिंग का हम लोग की लाइफ में एक इम्पॉर्टेंस है, एक रोल है। अगर मान लीजिए अगर आप कोई नेगेटिव इमोशन फेस कर रहे हैं, आप एंग्जाइटी फेस कर रहे हैं, डिप्रेशन फेस कर रहे हैं, किसी भी तरह का आप कोई नेगेटिव इमोशन फेस कर रहे हैं, तो वो जो भी नेगेटिव फीलिंग है वो आपको कुछ सिग्नल कन्वे कर रही है, वो कुछ आपको मैसेज कन्वे कर रही है, वो आपका अटेंशन ले रही है। कुछ इशू है जो अनरिजॉल्व्ड है, वो हमारे जो इमोशंस हैं, हमारी जो एनर्जी है, वो हमसे इसी तरीके से कम्युनिकेट करती है। तो हमें उसे डिकोड करना है। और मेन पर्पज़ ये, देखिए, हमें जो भी जो सेल्फ मास्टरी का गोल ये नहीं है कि हमें हमेशा हमेशा पॉजिटिव या हमेशा एक पर्टिकुलर तरह के इमोशन में रहना है। लाइफ में अलग अलग तरह के इमोशंस आएंगे और जाएंगे, हमें उसी जैसे सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग अपने बिहेवियर को टेलर करना है। अब हम लोग बात करेंगे 5 strategies की, जिसको प्रैक्टिस करके आप सेल्फ मास्टरी को अटेन कर सकते हैं, डे टू डे लाइफ में इसको डेमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्ट्रेटजी नंबर 1, हमें हमारा जो सेल्फ टॉक है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। हम लोग की लाइफ में सिचुएशन बदलेंगी, कभी अच्छी होगी, कभी बहुत अच्छी होगी, कभी खराब होगी, कभी बहुत खराब होगी। तो देखिए, जो भी सिचुएशन होती है वो डायरेक्टली हमारे ब्रेन या माइंड को इम्पैक्ट नहीं करती है, इम्पैक्ट वो करता है कि हम उसको परसीव कैसे कर रहे हैं, हम अपने माइंड में सिग्नल क्या दे रहे हैं, हम उसे कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं, डिकोड कैसे कर रहे हैं, इसको बोलते हैं सेल्फ टॉक। तो हम लोग को हमेशा पॉजिटिव सेल्फ टॉक को प्रैक्टिस करना है, सिचुएशन चाहे जो भी हो। स्ट्रेटजी नंबर 2, हमें इनर चाइल्ड केयर करना है। देखिए, हम सबके भीतर एक इनर चाइल्ड होता है। जब हम लोग छोटे से बड़े होते हैं तो हमारा जो इनर चाइल्ड होता है वो हमेशा मतलब उसी तरीके से लव, अफेक्शन, केयर ढूंढता है जैसे हम लोग बचपन में ढूंढते थे। तो हमें सबसे पहले उसको समझना है, उसको हमें राइट पर्सन के साथ राइट सिचुएशन में उसको एक्सप्रेस करना है, उसको कभी हमें किल नहीं करना है, उसे हमें सप्रेस नहीं करना है, उसे हमें समझना है। ये हमें बहुत हेल्प करता है, ये हम लोग को अंदर से स्ट्रांग करता है। स्ट्रेटजी नंबर 3, हमें डिटैचमेंट की प्रैक्टिस करनी है। डिटैचमेंट का मतलब क्या है? डिटैचमेंट का मतलब ये है कि ठीक है, कई बार लाइफ में कुछ चीज़ें आएंगी जिससे हम लोग अटैच्ड हो जाते हैं, किसी पर्सन से हो जाते हैं, किसी रिलेशनशिप से हो जाते हैं, वो नेचुरल है। और वो जो अटैचमेंट जब वो बढ़ता है तो हम लोग की हैप्पीनेस किसी पर डिपेंडेंट हो जाती है। तो हम लोग को ये समझना है ना, लाइफ में हमेशा चेंजेस आ रहे होते हैं, हर एक पर्सन की लाइफ में चेंजेस आ रहे होते हैं। जैसे हर एक पर्सन सिचुएशन के हिसाब से उसकी थिंकिंग अपडेट होती है, बिहेवियर अपडेट होता है, सब कुछ चेंज होता रहता है। तो हम लोग को डिटैचमेंट को प्रैक्टिस करना है। जब हम लोग जिसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जो भी हैप्पीनेस हमें मिल रहा है, बस हमें उसी मोमेंट को पूरा एंजॉय करना है, वहाँ पे हमें कुछ फ्यूचर बिल्ड नहीं करना है। हालांकि ऑटोमेटिकली होता है, लेकिन फिर भी हमें अपने माइंड को वहाँ पे स्टॉप करना है। हमें मोमेंट टू मोमेंट लिविंग की प्रैक्टिस करनी है और डिटैचमेंट समझना है, लाइफ में जो आ रहा है अच्छा, जो जा रहा है वो अच्छा। ये एक मुश्किल है, इसी वजह से सेल्फ मास्टरी भी मुश्किल है। स्ट्रेटजी नंबर 4, हम लोग को फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करनी है। कई बार ऐसा होगा कि कोई आपको डिस्टर्ब करेगा, कोई आपको तंग करेगा, जो आपको लो फील कराएगा, नेगेटिव फीलिंग देगा। तो हमें कोशिश करना है कि या तो जो इमोशन है उसको एक्सप्रेस करें, शेयर करें, चैनलाइज करें, और फिर बाद में हम फॉरगिव करके हम आगे बढ़ जाएं। नाउ द स्ट्रेटजी नंबर 5,
कि हम सबका कोई ना कोई पैशन होता है, कोई ना कोई ऐसा वर्क होता है जो करके हमें खुशी मिलती है, तो वो काम हमें ज़रूर करना है। इससे हम लोग की लाइफ में हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी रहती है, जिससे हमारे लिए डिटैचमेंट ईजी होता है, फॉरगिवनेस ईजी होता है, सेल्फ टॉक ईजी होता है, और ये हमारे जो जो इनर चाइल्ड केयर है उसमें भी ये हेल्प करता है। सो आपने वीडियो को यहाँ तक देखा उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आप जिस भी टॉपिक पे चाहते हैं आप कमेंट में शेयर कीजिए, मैं आपके लिए वो डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। बहुत बहुत थैंक यू।